कृष्णा हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये मिले हैं पोखरी पुल पे। सूरज रावत और आयुष नेगी जी भी हमारे पहुंच चुके हैं, वेलकम वेलकम। गोली के मापे आए थे पीछे, लेकिन यहाँ से रोड ब्लॉक हो रखी तो बड़ी दिक्कत होगी। अब यहाँ से वापसी होगी, फिलहाल जाम लगा पड़ा है काफी टाइम से, तो इन लोगों का इंतजार हो रहा था, इंतजार हुआ खत्म। आयुष नेगी भी पहुंच चुके हैं और भाई नए भाई जुड़क है हमारे साथ। भाई जी का नाम एक कर्ण प्याग मिला था और ये भी बहुत डेंजर हो रखा है फिलहाल यहाँ पे। यात्री हमारे ये हैं भाई जी और सूरज भाई जी, यहाँ पे तीन आदमी और एक हम चार आदमी। 10 से 14 किलोमीटर हम पीछे हैं और जो हमारा ताल मात्र यहाँ से बच जाता है 15-20 किलोमीटर, और फिलहाल खाना खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सारी गांव में और यहां से पैदल ट्रैक होगा। गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आप सभी का यूके विजय ब्लॉग में। जैसे आपको पता है मैं हूं विजय नेगी और एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग आज अपने स्टूडियो से हो रहा है, लेकिन मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, काफ़ी लंबा ब्लॉग होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। जैसे आपको बताया था ब्लॉग बनेगा जब स्टूडियो से हम फ्री हो जाएंगे, तो अब ब्लॉग देखने को मिलेंगे आपको। स्टार्टिंग करते हैं अपने स्टूडियो से, लेकिन एंड कहाँ होगा इस ब्लॉग का अभी कोई फिक्स नहीं हो रखा हमारा टारगेट, और कौन कौन जाने वाले हैं साथ में बने रहिए ब्लॉग में वो देख के पता चल जाएगा आपको। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आने वाले ब्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स गो, नाउ स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो सामान का ज़्यादा सीन तो है नहीं आज, एक हेलमेट रहेगी साथ में, बाइक रहेगी और निकलते हैं स्टूडियो से। हेलो हेलो करो यार की चांदनी, चांदनी का लड़का और अंजू, लेकिन ये बैठेंगे आप बाहर पर इंतज़ार करेंगे। तो गाइस फिलहाल निकल चुका हूँ मैं उस स्टूडियो से और लगभग दिन के बज चुके हैं 11 और अब निकलने का टाइम हो रहा है। आज थोड़ा टाइम से निकल जाते सही रहता, लेकिन थोड़ा लेट ज़रूर हो गई। और आज बद्रीनाथ हाईवे पर कुछ इस प्रकार का जाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो शॉर्ट्स वीडियो डाली थी मैंने उसमें देखा होगा आपने कि ऊपर कपिरी वाली रोड टूट रखी है, तो ये सारी गाड़ियाँ भी रोक रखी है यहाँ। जाम पूरा लंबा चौड़ा लगा है पुल से और पता नहीं आगे कहाँ तक लगा होगा। गाइस इस पेरिस से पोखरी पुल के लोकेशन पर मैं पहुंच चुका हूं, सामने देख सकते हो आप अलकनंदा और पिंडर का संगम, और यहां से निकलने वाले हम कालेश्वर, कालेश्वर से गोपेश्वर, और गोपेश्वर से निकलेंगे हम तुंगनाथ चौक तक के लिए। कृष्णा हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये मिले हैं पोखरी पुल पे। सूरज रावत और आयुष नेगी जी भी हमारे पहुँच चुके हैं, वेलकम 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 गाइज वेलकम। और चलो फिर, सुहाना मौसम हो रखा है काफ़ी टाइम बाद, इतनी तगड़ी धूप लगी है। तो गाइस फिलहाल बढ़ते हुए क्रम में हम पहुंच चुके हैं सिवाई रोड पे, पीछे छोड़ चुका हूं मैं पोखरी वाली रोड और यहां से होते हैं ये वाली सिवाई वाली रोड स्टार्ट, बाईपास जाएंगे हम यहां से कालेश्वर। पोपट हमारे साथ हो चुका है, सिवाई वाली रोड पे पहुंचे हम तो यहां भी पूरी रोड ख़राब, और सामने वाली रोड तो बिल्कुल ख़राब हो रखी है कल से, अब देखते हैं। तो एक बार फिर हमारे हो चुके हैं कर्ण प्याग में वापसी, लेकिन अभी भी जाम बिल्कुल बरकरार देख सकते हो आप। तो फाइनली उस लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं जहां से ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, तो वहां पर हम पहुंच चुके हैं ये वाली वो लोकेशन जहां पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। निकाल दें, पंद्रह बीस मिनट हमें कम से कम यहां पर हो चुके हैं। हमारा नंबर आएगा यहाँ से निकलने का, तो ये हो रखा है डेंजर स्पॉट बहुत तगड़ा वाला, और फाइनली यहाँ से हम निकल चुके हैं। तो गाइस काफ़ी देर लंबे जाम में फंसने के बाद अब खुली रोड मिल चुकी है हमें, और अब यहाँ से ड्राइविंग करने का मज़ा ही कुछ और आएगा। मैं पहुँच चुका हूँ लंगासो, और इन लोगों का अभी सूरज और आयुष का कोई पता नहीं कहाँ पीछे छूट गई है, रोड ख़राब हो रखी थी, तो कर्ण प्याग वापसी की हमने और फिर वहाँ से लंगासो वाली रोड खुल चुकी है, तो अब लंगासो हम पहुँच चुके हैं। फिलहाल बरसात के मौसम में पहाड़ों की तमाम वीडियो देखी होगी आपने, लेकिन हमारा साथ आज मौसम ने ज़रूर दे रखा है, बहुत प्यारा और कड़ा मौसम काफ़ी टाइम बाद ऐसा देखने को मिला है। आज पेट्रोल पंप पर पहुँच चुका हूँ, और इस रोड पर जब भी आना जाना होता है तो तेल हमेशा यहीं से डलवाता हूँ मैं, और आज भी तेल डलवाएँगे सोनला पेट्रोल पम्प से। कर्ण प्याग से नंद प्याग में पहुंच चुका हूं, और यहां तक मेरा सफ़र अकेला चल रहा है, तो थोड़ी देर रुकूंगा आगे बैठूंगा, और तब तक सूरज और आयुष भी पहुंच जाएंगे दोनों, और ये रहा नंद प्याग मेन मार्केट। तो इन लोगों का इंतज़ार हो रहा था, इंतज़ार हुआ ख़त्म। आयुष नेगी भी पहुंच चुके हैं और भाई नए भाई जुड़क है हमारे साथ। भाई जी का नाम
प्रीतम रावत जी और सूरज के साथ मिले ये, और अब यहाँ से हम चारों जाएंगे एक साथ। जो व्यवस्था है सूरज, जो व्यवस्था है सूरज कर देगा वही होगी आज है। हाँ ठीक। तो बरसातों में ऐसी रोड बहुत जगह ख़राब हो रखी होगी पूरे सफ़र में, लेकिन अभी पहला डेंजर स्पॉट एक कर्णप्याग मिला था और ये भी बहुत डेंजर हो रखा है फिलहाल यहाँ पे। पहली बार सूरज भाई आगे जा चुके हैं मेरे से, कोई बात नहीं, इनको अभी मौका देते हैं जाने का आगे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और आज से कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, तो उस लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं और ये रहा यहाँ से आगे चमोली मार्केट। चमोली मार्केट हम पहुंच चुके हैं, एक रोड जाएगी बद्रीनाथ के लिए और एक जाएगी गोपेश्वर के लिए। चमोली क्रॉस करने के बाद कुछ इस प्रकार की रोड हमें मिलती है पूरी चढ़ाई वाली और पूरे बैंड बैंड गोपेश्वर तक। फिलहाल गोपेश्वर शहर में हमारी हो चुकी है एंट्री और काफ़ी लंबा चौड़ा मार्केट गोपेश्वर भी, कम से कम 3-4 किलोमीटर का मार्केट होगा गोपेश्वर भी। गोपेश्वर में हम पहुंच चुके हैं और अभी हमारी मंजिल यहां से 40 किलोमीटर आगे। और गाइस दूर से देखने पर कुछ इस प्रकार का दृश्य गोपेश्वर का दिखता है, और सामने देख सकते हो मौसम कितना केड़ा और प्यारा हो रखा है आज। और अभी हम फिलहाल अपनी मंजिल की तरफ चुपता की ओर, और गोपेश्वर से कुछ आगे जाके रुद्रनाथ महादेव का प्रवेश द्वार देख सकते हो आप, ये रहा सामने। और 2-3 रास्ते हैं, लेकिन मैं अगर रास्ता देखा जाए तो ये वाला रास्ता गोपेश्वर रुद्रनाथ मंदिर जाने के लिए। कहिए प्लीज, क्या यात्रा का क्या सीन था और क्या कहाँ जाना था हमने और कहाँ आगे हैं? यात्रा का सीन था हमारा बैनीताल, और रोड की काफी दिक्कत होने के कारण हमें अभी लंबा टूर शुरू हुआ चुपता की ओर अग्रसर होगी, और इंतजार हो रहा अड्डा साहब का। तो इस प्यारे से सफर में हम पहुंच चुके हैं ग्वाड़ गांव से आगे, और चुपता रह जाता है यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर, और बाकी यात्री लोग भी पता नहीं कौन कहाँ गए यात्री हमारे। ये हैं भाई जी और सूरज भाई जी, यहाँ पे 3 आदमी और एक हम, 4 आदमी और आज हो रखी हमारे पास 3 गाड़ियाँ। तो फिलहाल मौसम ने बहुत बढ़िया साथ दे रखा था, लेकिन अभी बहुत तगड़ी बारिश लग चुकी है। मंडल से पीछे हम रुके हैं और बहुत तगड़ी बारिश लग चुकी है, और आयुष भाई का हाल देख सकते हो कैसे हो चुका है, और बाकी मौसम ने बहुत तगड़ी बारिश धुल चुके हैं वाहन में। क्या बोल रहे थे सूरज भाई? मैंने कहा हमारे वाहन जो है कि काफी अच्छी, कोई कोई बजा के बता ना, लो कैसे हम देख सकते हैं ये कौन सी बाइक है, कितने सीसी है, क्या क्या है बताओ सर, जरा बताओ क्योंकि मैं बाइक के बारे में। ये है प्लैटिनम, ठीक है ओके। और ये ये है हमारी हायबुसा, हायबुसा आज बाइक है हायबुसा। और ये हमारी स्प्लेंडर। लगभग 3:30 बज चुके हैं, और ये वाला टाइम सबसे बेस्ट ट्रैवल करने के लिए है यहाँ, क्योंकि जैसे अंधेरा हो जाता है तो यहाँ जंगली जानवरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कई प्रकार के जंगली जानवर मिल जाते हैं यहाँ, लेकिन हमें तो अभी कुछ दिखा नहीं। तो इस प्यारी सी लोकेशन पर फोटोशूट करने के बाद एक बार धूप फिर निकल चुकी है मस्त वाली, और जंगल देख सकते हो आप तगड़ा वाला। तो गाइज उत्तराखंड देवभूमि में जब भी आप प्रस्थान करते हो तो ऐसा मौसम अधिकांश देखने को मिलता रहता है, कभी धूप और कभी बादल और कभी बारिश, और अभी तो बिल्कुल बिंदास हो रखा है मौसम, मस्त वाली धूप लगी है, लेकिन अभी हम जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच। फिलहाल चोपता से 14 किलोमीटर हम पीछे हैं, और जो हमारा चोपता का प्रोग्राम बना वो बना बिल्कुल अचानक से। पहले हमारा सिर्फ वन डे का छोटा सा प्रोग्राम बना था बैनीताल जाने का, और अब पहुंच चुके हैं हम लगभग चोपता के बहुत ज़्यादा करीब। तो फाइनली इस प्यारी सी लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं, और जब पिछली बार आए थे तो हमने यहाँ पे चौंसा भात और हरी सब्जी खाई थी, याद है हमें आज भी। कुछ देर रुकने के बाद अब यहाँ से तैयारी करते हैं निकलने की, और चोपता यहाँ से थोड़ा ही रह गया, और उसके बाद चोपता में चाय पानी भात होगा, कुछ चौंसा भात खाएंगे चोपता में। चलो फिर प्यारी सी लोकेशन मिली हमें यहाँ पे, तो फोटो शूट है यहाँ पे कुछ 2-4।
फाइनली कुछ इस प्रकार से एंट्री होती है हमारी चोपता में, और चोपता में पहुंचते ही चोपता हम पहुंच चुके हैं मेन मार्केट चोपता, और यहां से ऊपर होता है तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्या बनता है, कि चोपता जाने का बनता है प्रोग्राम या आगे बनता है प्रोग्राम, सूरज लोग रुके होंगे तब देखते हैं। नहीं, शायद आगे जाने का प्रोग्राम है हमारा आज तुंगनाथ, हम दो बार जा रखे हैं, ट्रैक रखा है दो बार का, और वापसी में टाइम लगेगा तो ज़रूर हम तुंगनाथ होके आएंगे एक बारी। सेकंडों के हिसाब से बार बार ही मौसम बदलता जा रहा। अभी फिलहाल एक बार फिर मस्त वाली धूप, और अब हमारा प्रोग्राम बन रखा है देवराय ताल जाने का। ताल मात्र यहाँ से बच जाता है 15-20 किलोमीटर, और फिलहाल खाना खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं, पहले इसमें काम चल जाएगा पहले, चलो तब यही को, और उसके बाद खाना खाएंगे हम, और उसके बाद आज का स्टे देवराय ताल। और हमारे सूरज भाई यहाँ पे अपनी बुलेट की फोटो शूट करते हुए, फिर खाना पीना होगा यहाँ पे, है नहीं? चलो फिर क्या व्यवस्थाएं हैं? तो फिलहाल खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं, और एक बार मौसम की करवट देख सकते हो आप किस प्रकार का मौसम हो गया। मानो ऐसा लग रहा है कि शाम के लगभग 5-6 बज चुके हैं, वैसे तो टाइम अभी 4:30 और 5 के आसपास हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। और यहाँ से थोड़ा गाड़ी का एक्सचेंज करेंगे हम, सूरज भाई और भाई जी चलेंगे हमारी धन्नू में, और हम चलेंगे यहाँ से सूरज भाई की। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं सारी गांव में, और यहाँ से पैदल ट्रैक होगा 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होता है पैदल ट्रैक। दिखाता हूँ आपको, मेन गेट ये रहा देवराय ताल प्रवेश द्वार, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर जो भी होगा वो दिखाते हैं आपको आगे की यात्रा में। 7 बजने के लिए मात्र 10 मिनट बाकी रह गए, यानी 6:50 हो चुका है, और अब पैदल ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है, तो देखते हैं आगे कितने बजे पहुँचते हैं, रैन बसेरा कहाँ होता है वो देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से उकाव नापी जा रही है, और नीचे रही है सारी गो। तो गाइस फाइनली सारी गांव से लगभग 1/2 किलोमीटर हम चढ़ चुके हैं, भाई है आयुष नेताजी वीडियो बना रहे हैं, और नेताजी हमारे बहुत आगे पहुंच चुके हैं, और लगभग अंधेरा होने को आ चुका है, और देखते हैं देवराय ताल कब तक पहुंचे हैं, पहुंचते हैं तो लेट्स गो नाउ। तो देवराय ताल से अभी हम काफ़ी पीछे हैं, कोई पता नहीं कितने किलोमीटर पीछे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अंधेरा हो चुका है, और सांसें भी कुछ इस प्रकार से फूल रहे हैं, अंधेरा देख सकते हो कैसा हो गया है। आज लगभग 3-3.5 किलोमीटर हम चढ़ चुके हैं, पैदल चढ़ाई चढ़ रहे हैं, नेताजी हो गए, सूरज भाई हो गए, हम हो गए, और दो भाई ने एक ने फ्लैश चला रखा और एक वीडियो बना रहा है आयुष नेगी जी और प्रथम भाई। तो यहाँ से कितना रह जाता है वो कोई पता नहीं, लेकिन आगे पीछे हमारे काफ़ी यात्री भी है, नहीं काफ़ी आ रहे हैं पीछे, तो पीछे आ रहे हैं कुछ दो किलोमीटर और नीचे को है, चढ़ाई तो हम चढ़ चुके हैं लेकिन अभी यहाँ से नीचे है, तो चलो लेट्स गो नाउ स्टार्ट करते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं, लगभग रात के 8 बज चुके हैं, और फिलहाल हम पहुँच चुके हैं ताल के अगल बगल पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पूरा अंधेरा हो रखा है, ताल हमारे राइट साइड में पड़ता है, तो लेफ्ट साइड में पड़ता है ताल, तो अंधेरा हो रखा है पूरा, तो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ताल का नज़ारा जो आपको देखने को मिलेगा वो कल मिलेगा, कल सुबह मिलेगा, सूरज भाई के देख रेख में सारा ताल का प्रबंध करेंगे हम, तो दो शब्द और फिर चलते हैं सोने। सफर के बारे में कुछ बताओ, सफर तो हमारा ताल के बारे में काफ़ी अच्छा रहा, आनंददायक, बिल्कुल ठंडे मौसम में, का मौसम रहता तो काफ़ी पसीना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल मौसम में यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब जाके हम जाएंगे रूम पे। सूरज भाई आपका यहाँ आने का प्लान कैसे बना? अचानक प्लान जो है कि कभी कभार जो है कि अचानक ही, आपने तो मेरे को यहाँ चप्पलों में ही बुला दिया। चलो फिर चलो चलो।